करजोली ने अपनी फील्ड सजा ली है, वाओली अपने ओपनर्स भेजना है, दोनों टीमें बड़ा हुआ खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। इसके बाद अगला मुकाबला आरसीसी राया बनाम पीजी कासने के बीच। बीसीसी बोरियोली और ए स्पोर्ट्स अर्जोली के बीच इसके बाद मुकाबला है। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज पिंटू, प्रणीत और शुभम दोनों ही सलामी बल्लेबाज। प्रणीत सामना करेंगे पिंटू का, पहले गेंद इनफील्ड के ऊपर से टिपिकल पावर प्ले स्टॉक, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शुभम ने बढ़िया स्ट्रोक लगाया, इस चौके से अपना अपने टीम का खाता खोला है शुभम ने। वाओली की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पीटीसी क्रिकेट में ये टीम, सभी युवा खिलाड़ियों की टीम। इस मरतबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हाउस दैट की अपील, अंपायर तस से मस्त नहीं, रन पूरा किया है, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 5 पर पहुंचा स्कोर। अच्छी शुरुआत वाओली के लिए, स्ट्राइक रोटेट हुआ है बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक पर आया है प्रणीत। सामना करेंगे पिंटू का, इस मरतबा गेंद को हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, एक बाउंस में गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा है, पहली ओवर का खेल जारी है और पिंटू इस वक्त थोड़े से महंगे साबित होते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की, प्रणीत और शुभम दोनों ने चौके से खाता खोला है। वेलकम उसामा मुरुमकर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। इस मरतबा शॉर्ट हम पुल करना चाहते थे, हाउस दैट की अपील, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। इसके बाद अगला मुकाबला बीसीसी बोरियोली बनाम ए स्पोर्ट्स अर्जोली के बीच है, मौजम पटेल एंड कंपनी, शाहिद खान एंड कंपनी के सामने। इस मरतबा बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, अपील, अंपायर का इशारा आसमान की ओर, आउट हो गए बैट्समैन शुभम, पहला झटका लगता हुआ वाओली स्पोर्ट्स को। नए बैट्समैन रोहित आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे पिंटू का, स्कोर है इस वक्त 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिंटू की है गेंद, सफाई से नहीं खेल पाया, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दूर से खिलाड़ी आए गेंद को जब तक उठाते, 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए जा रहे, त्रंबल हुआ है,
भरपूर फायदा उठाया मिस फील्डिंग का, 3 रन चुरा लिए। इन 3 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा एक ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरे ओवर के लिए सुनील को बुलाया गया है, बहुत समय लिया जा रहा है अर्जोली स्पोर्ट्स। वेलकम राफित बादरकर, कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। इस मरतबा गेंद को शॉर्ट आर्म पुल किया है, काउ कॉर्नर पर आकाश मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज हम राफित भादौरकर की भी कमेंट्री सुनेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचा है। इस मरतबा मिस टाइम स्टॉक है, हुक करना चाहते थे, फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, लेग 22 का इशारा अंपायर का, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 16 पर पहुंचा है स्कोर। सुनील फुल टॉस गेंद स्वंग किया है, फील्डर गेंद के नीचे काउ कॉर्नर पर, बढ़िया कैच, एक और झटका लगता हुआ वावली स्पोर्ट्स को। अंपायर ने रिव्यू मांगा है, देखना चाहते हैं गेंद बीमर थी या नहीं। आउट है बैट्समैन, फेयर डिलीवरी। नए बैट्समैन समीर आए बल्लेबाजी के लिए टीम के, हार्ड हिटर बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बढ़िया स्वागत किया समीर का, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, खोद के निकाला था ऑन साइड पर, तेज कदमों से 1 रन पूरा किया, थ्रो करके कलेक्ट करते विकेट कीपर, इस बीच 2 रन पूरे किए, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ
18 रनों पर पहुंचा स्कोर। सुनील समीर के लिए इस मरतबा मिस टाइम स्टॉक है। गेंद हवा में, कैफ रेस गेंद के नीचे, अच्छा कैच, एक और झटका। तीसरे और आखिरी ओवर के लिए आकाश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। बीसीसी बोरीवली और ए स्पोर्ट्स अर्जुली के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। अगला मुकाबला इस मरतबा बोल्ड अराउंड द लेग्स, सीधा विकेटों पर निशाना रखा था गेंदबाज आकाश ने। ऑफ स्टिक को फॉल करती हुई गेंद, आउट हो गए बैट्समैन। एक और झटका, मिथुन आउट हुए, रोहित आउट हुए, नए बैट्समैन उज्जवल जा रहे बल्लेबाजी के लिए, प्रज्वल। वेलकम राफित बादोरकर इन कमेंट्री बॉक्स, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कमेंट्री बॉक्स में। वेलकम राफित। थैंक यू नबील दिवकर। जिस खेल के लिए जानी जाती है वाहुली स्पोर्ट, उस तरीके का खेल नहीं दिख रहा है इस टूर्नामेंट में, इस मैच में वाहुली का। आकाश मुड़ते हुए, इस बीच गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे, बढ़िया गेंदबाजी आकाश की। राफित भादोरकर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, वाहुली बहुत पॉपुलर है इस परिसर में अपने खेल के लिए। इस मरतबा फिर एक बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे हाउस दैट की अपील, वाइड यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बीट हुए डॉट गेंद। राफिद आपको क्या लगता है वाहुली को कितने रन बनाने चाहिए थे अर्जुली के सामने फाइट करने के लिए? 40+, क्योंकि अर्जुली भी एक बहुत बेहतरीन टीम है। और बढ़िया शॉट प्रज्वल का, पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट प्रज्वल का, बहुत लूजनर गेंद थी, उसका भरपूर लाभ उठाया प्रज्वल ने। आकाश मुड़ते हुए, इस बीच गेंद उठा दिया है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच, बहुत बेहतरीन कैच राकेश का। आकाश को मिलने वाली है दूसरी विकेट। इसके बाद होने वाला मुकाबला बीसीसी बोरीवली पड़गा और ए स्पोर्ट अर्जुली, दोनों के कप्तान को टॉस बॉक्स में बैठना है इनिंग खलास होने से पहले। अर्जुली के कप्तान आ चुके हैं, बीसीसी के कैप्टन अब नए बैट्समैन आकाश। आखिरी गेंद बची है, देखना होगा कितने रन बटोरते हैं। इस गेंद पे बड़ा स्टॉक आता है तो फाइट कर सकती है वाहुली स्पोर्ट। आकाश मुड़ते हुए, इस बीच गेंद, कॉटन बॉल का खतरा, ओ इस बीच 2 रन पूरे, तीसरे के निकल पड़े और आउट।
इसके साथ वाओली ने बनाए 3 ओवर की समाप्ति पे 24 रन और 25 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए बी बॉयज अर्जोली कैफ रईस एंड कंपनी। अब लौट चलते हैं टॉक बाजूला अफसर रईस यांच्या हातामध्ये नाणं सुपूत केलंय। एक महत्त्वाचा सामना स्टार 11 मागणी झाली आणि निर्णय आलेला आहे यस स्टार 11। तर या ठिकाणी विजयी संघाच्या कर्णधाराला आपण शीतपेय देणार आहोत जे आम्हाला नरेश राऊत करता धरता कोहलीचा आमचा स्पॉन्सर्ड याच्या सौजन्याने लाभलेला आहे। दोन्ही कर्णधारांचं मी निश्चित या ठिकाणी स्वागत करतोय। निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करेंगे पहले। क्षेत्रक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे, समोर बीसीसी संघ आहे, काही दबाव असेल असं काय नाही, आमचा नॅचरल गेम खेळू। एक चांगला खेळ आपण दाखवलेला आहे, रंगतदार सामन्याची अपेक्षा आहे, तिची पूर्तता होईल हो इन्शाल्ला। संघात काही बदल काय नाही, असं काय नाही, आसिफ चिमनाड इन झालाय फक्त। यस आसिफ चिमनाड इन संघात झालेला आहे, एक खेळाडू सकाळी ज्याची अनुपस्थिती होती तो संघ संघामध्ये या खेळाडूचा समावेश होतोय। बीसीसी बोरेली संघाने ज्या पद्धतीने सामना जिंकला अप्रतिम, आणि जेव्हा अशी विजयाची वाटचाल सुरू होते तेव्हा मात्र बीसीसी त्या स्पर्धेवरती नाव करत असतो। या स्पर्धेकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टीने पाहता? काय नाही, नेचरल गेम गेलो आम्ही, ते रंगतदार सामन्याची अपेक्षा आहे, त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघ निश्चितच करतील। नाणेफेकीचा कोल ए स्पोर्ट्स अर्जोली संघाने प्राप्त केला, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, फलंदाजी आमंत्रित केलंय बीसीसी बोरेली संघाला। माय गोटो कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक रफीत बादवडकर। Two openers on the ground, Shubham or Kaife Rईs. Kumar or Kaife Rईs. गेंदबाजी के लिए शुभम 25 रनों का लक्ष्य के पीछा करने उतरी है बी स्पोर्ट अर्जोली। शुभम पहली गेंद लेकर कुमार के लिए, इस बीच गेंद, ओ बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इतने आसानी से बी स्पोर्ट को जीतने नहीं देंगे वाओली, बहुत फाइटर टीम है वो परगा परिसर की। शुभम मुड़ते हुए, इस बीच गेंद उड़ा दिया हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे और छूट गया कैच, इस बीच दो रन पूरे। अर्जुली की महान हस्ती तंजीब पटेल का स्वागत है स्टार 11 ट्रॉफी में, वेलकम तंजीब पटेल। सुबह के पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी कुमार ने, 33 रन बनाए थे। शुभम मुड़ते हुए कुमार के लिए, इस बीच गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बॉल और बैक ड्राइव, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अब आए कैफ रईस, बी बॉयज अर्जोली की मैन कैफ रईस सामना करेंगे शुभम का। फील्ड में एडजस्टमेंट किया जा रहा है, शुभम मुड़ते हुए कैफ रईस के लिए, इस बीच गेंद रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, डॉट गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे शुभम, 4 गेंदों में 3 रन दिए।
शुभम मुड़ते हुए इस बीच गेंद बहुत बढ़िया गेंद ढूंढते रह जाओगे कैफ रेस। बहुत बढ़िया गेंदबाजी शुभम की, मैंने पहले ही कहा था इतने आसानी से रन मारने नहीं देंगे वावली, बहुत फाइटर टीम है इस पर पीटीसी पड़गा की। वो पावर प्ले के ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे शुभम, 5 गेंदों में 3 रन दिए, 2 कंटिन्यू डॉट बॉल कैफ रेस। थोड़ा समय का ख्याल रखिए वावली स्पोर्ट। शुभम मुड़ते हुए कैफ रेस के लिए, इस बीच गेंद बहुत बढ़िया गेंद ढूंढते रह जाओगे कैफ रेस, 1 और डॉट, 3 कंटिन्यू डॉट गोल कैफ रेस ने खेले पावर प्ले में। 1 ओवर की समाप्ति 3 रन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी शुभम की। बची हुई 2 ओवर में 22 रन चाहिए, 12 गेंदे और 22 रन। कैफ रेस अभी भी क्रीज पे मौजूद है, आने वाले बल्लेबाजों में पिंटू का आना बाकी है, आकाश का आना बाकी है। अब दूसरी ओवर लेके आए निशान, बहुत बढ़िया गेंदबाजी शुभम की, बिल्कुल बांधे रखा है बी स्पोर्ट अर्जोली को, लेकिन अभी भी बहुत मैच बचा है। जब तक कैफ रेस रहेंगे थोड़ा आशाएं जीवित रहेंगी बी स्पोर्ट बोरियोली के लिए, बी स्पोर्ट अर्जोली के लिए। दूसरी ओवर लेके निशान, प्लीज थोड़ा समय में कॉपरेट कीजिए वावली स्पोर्ट। निशान दूसरी ओवर लेके टोलना का एंड से स्ट्राइक पे है कुमार, निशान मुड़ते हुए टोलना का एंड से, इस बीच गेंद बहुत बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रन, बहुत बेहतरीन शॉट कुमार के बल्ले से। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा है 9 रन, बहुत बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या स्वागत किया निशान का छक्के के साथ में कुमार ने। इसके बाद होने वाला मैच ए स्पोर्ट अर्जोली वर्सेस बीसीसी बोडोली, जहां ए स्पोर्ट अर्जोली ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय। निशान मुड़ते हुए कुमार के लिए, इस बीच गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, उतना ही पुल स्टॉक और अच्छा स्टॉक गेंद मिड विकेट पे 1 रन के लिए। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। आप आए कैफ रेस, 3 गेंदे डॉट खेलने के बाद 4थी गेंद खेलने जा रहे कैफ। इस बीच गेंद बहुत बढ़िया स्टॉक डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, बहुत बढ़िया स्टॉक कैफ रेस का। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, बहुत बढ़िया स्टॉक निशान ने बनो अपने टीम के लिए, बहुत घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, नुकसानदेह गेंदबाजी कर रहे निशान। अब समीर को समझा रहे कान मंत्र दे रहे निशान को, निशान गेंदबाजी करेंगे कैफ रेस के लिए, बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया कैफ रेस ने मिड विकेट के ऊपर से। निशान मुड़ते हुए कैफ रेस के लिए, इस बीच गेंद बहुत बढ़िया शॉट
फिर से एक बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे। निशान की बहुत खराब गेंदबाजी, मानो इस छक्के ने वाहोली को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है। कैफ रईस ने पहला पावर प्ले वाहोली के नाम रहा था, उसके बाद पावर प्ले के बाद बी स्पोर्ट अर्जोली के नाम रहा है, जिस तरह कैफ रईस बल्लेबाजी कर रहे हैं। निशांत मुड़ते हुए कैफ रईस के लिए, इस बी स्लो गेंद अगेन पीछे की तरह सरक रही है, एक रन पूरा दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे। अब एक ओवर में 1 रन चाहिए, एक बॉल बचा है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे कैफ रईस, 2 सिक्सर की मदद से खेल रहे हैं 14 रनों पे, 7 गेंदे और 1 रन। अम्ब्रेला फील्ड सजा गई कैफ रईस के लिए। निशान फिर से एक बार गेंद जा रहे डीप मिड विकेट के बाहर 6 रन और वाहोली इस स्टार 11 ट्रॉफी के बाहर। इसके साथ इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सुनील, 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट। सुनील आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। मला प्राप्त आहे समुद करते यांच्या सौजन्यानं, समित करते यांच्या सौजन्यानं प्राप्त झालेली कॅप मी अफसर रईस यांना विनंती करतोय। श्रुत कदम, जगदीश कदम यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ उपस्थिती, कॅप डोक्यावर चढवायची आहे। जबरदस्त कामगिरी सुनीलची, नंतर या ठिकाणी फानुस धावाच्या माध्यमातून बदरुद्दीन करते यांच्या सौजन्यानं मग प्राप्त आहे। मी तंजीम पटेल यांना विनंती करतो ही मग आपण प्रदान करायचं आहे। इबाद रईस यांच्याकडनं बॉटल आहे, मी सन्माननीय उजेर नाचन यांना विनंती करतो ही बॉटल आपण प्रदान करायची आहे। स्टार इलेव्हनच्या माध्यमातून एनर्जी ड्रिंक आहे, फरजीन नजे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण एनर्जी ड्रिंक देणार। आणि या ठिकाणी टी शर्ट तारीफ सय्यद टी शर्ट 77 प्रदान केलं जाईल, टी शर्ट घ्यायचा आपला। त्वरित क्षेत्रक्षणाची सजावट करून घ्यायची आहे। एस्पोर्ट अर्जोली क्षेत्रक्षणाची सजावट करून घ्या। बीसीसी बोरिवली संघ मगाशी पराभवाच्या गर्तेत सापडला होता, मात्र ज्या पद्धतीनं माजिदनं गोलंदाजी केली जबरदस्त कामगिरी। बोरली संघासाठी नेहमीच धडधडती तोप राहिलेला आहे, एक्सप्रेस डिलिव्हरी साठी सुप्रसिद्ध। चला क्षेत्ररक्षण सजावट करून घ्या। यानंतर पुढचा सामना दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचे। आरसीसी राया वर्सेस पीजी स्पोर्ट कासणे, कॉमेंट्री सुनी
फरजीन नजे यांना विनंती करतोय आपण मंचावरती यायचे. आरसीसी राया वर्सेस पीजी स्पोर्ट कासणे दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सज्ज राहायचंय. चला खेळ सुरू होणार आहे. सलामीची जोडी पीसीसी बोरिवली संघाचा जरार मल्ला आणि मला वाटतं शाहिद खान. सलामी जोडी मैदानावरती मार्गक्रमण करते. बीसीसी के सपोर्टर्स भी हमसे जुड़ते हुए बीसीसी बोरीवली स्टार 11 तलोली पावर ऑफ तलोली कई ऐसी टीमें हैं गायकवाड़ सर जो जब भी खेलने जाती है तो उनके समर्थक बहुत रहते हैं उनके साथ में. निश्चित बने तलोली आणि बीसीसी बोरीवली है दोन संघाचं वैशिष्ट्य है कि त्यांच्या सोबतीला त्यांचे समर्थक आपल्याला पाहायला मिळतात आणि समर्थक असल्याशिवाय खेळाला मजा मिळत नाही. खऱ्या अर्थानं समर्थकांचा प्रोत्साहन खेळाडूला अधिक प्रोत्साहित करत असतं आणि त्या माध्यमातून आपण पाहतो एक चांगला खेळ होत असतो. मगाशी सुद्धा माजी शेखनं ज्या पद्धतीची